अधिक अहमद एक बार फिर गुजरात से यूपी आ रहा है। नमस्ते, मैं राशिद। प्रयागराज पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर वारंट बी की तामील कराने के लिए गुजरात की साबरमती जेल के अंदर पहुंची। अतीक अहमद को अपने साथ ले जाने के लिए उमेश पाल मर्डर केस में। अतीक अहमद जो साबरमती जेल के अंदर कैद है, अतीक अहमद जिसे पिछले दिनों ही जब उमेश पाल किडनैपिंग केस में वर्डिक्ट आना था, जब प्रयागराज की कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था, तब अतीक अहमद को लाया गया था। लेकिन अब फिर से अतीक अहमद यूपी लाया जा रहा है क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस का उसे मुख्य आरोपी बनाया गया है। अब प्रोडक्शन वारंट के बाद शाम में लगभग 6 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर के चलेगी यूपी पुलिस। उमेश पाल मर्डर केस, 24 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बेटा असद भी शामिल था। खबर ये निकल करके आई कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बैठकर अशरफ जो भाई है बरेली जेल में कैद है, अपने भाई को इंडिकेशंस दिए, अपने भाई को आदेश दिए। अशरफ ने उसके बाद फिर मीटिंग की, 11 फरवरी को मीटिंग हुई, फिर उसके बाद 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई। एक खबर और भी है, जो अतीक अहमद का नाबालिग बेटा आबान है, बाल सुधार गृह में उसके बारे में ये पता चला है कि 16 अलग अलग सिम कार्ड प्रोक्योर किए थे आबान ने, यानी अतीक अहमद के नाबालिग बेटे ने। अपने दोस्तों को कुछ पैसे दिए, 5-6 हज़ार रुपये दिए, और ये कहा कि अपनी आईडी दे दो और इसी आईडी पर फेक सिम शूटर्स के लिए लिए गए थे। शूटर को यही फेक सिम दिए गए, उनकी आइडेंटिटी पर नहीं थे, और ये सब कुछ मैनेज करने वाला था आबान। एक खबर और भी निकल कर के आई है कि उमेश पाल की जब हत्या हुई उसके बाद शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद से जेल के अंदर फ़ोन पर बात की। शाइस्ता बहुत नाराज़ थी, शाइस्ता बहुत गुस्से में थी। उसका ये कहना था कि असद तो अभी बच्चा है, असद को क्यों इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए भेज दिया गया। लेकिन इसी फ़ोन कॉल ने अतीक अहमद को और पूरे कुनबे को फंसा दिया है। शाइस्ता परवीन अभी भी गायब है। आयशा नूरी जो बहन है अतीक अहमद की और उस अतीक अहमद की दो भांजियाँ, वो भी अभी अंडरग्राउंड हैं। गुलाम, असद, गुड्डू, साबिर, इनका पता चल नहीं पा रहा है। लेकिन अब अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस लेकर के आएगी, उसके बाद फिर पुलिस रिमांड पर लेगी। अतीक अहमद से ये पूछा जाएगा उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले कितने किरदार रहे हैं, उस्मान छर्रा ने कैसे मदद की, तोता कैसे सपोर्ट दिया करता था, फंडिंग करने वाले लोग कौन थे। और हाँ, एक खबर ये भी है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन से बात करते हुए अतीक अहमद ने ये कहा था कि अब आज जाकर के सालों के बाद मैं चैन की नींद सोऊंगा क्योंकि उमेश पाल मारा गया है। लेकिन अब जितने भी तार हैं वो खुलते चले जा रहे हैं, जितने भी चेन ऑफ एविडेंस हैं, जो मिसिंग लिंक थे, उन्हें अब प्रयागराज पुलिस ने जोड़ लिया है। 24 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लगभग 1.5 महीने के बाद, 1.75 महीने के बाद में अब फिर से यूपी पुलिस एक्टिव होने के बाद अतीक अहमद को साबरमती से लेकर के आ रही है। साबरमती से राजस्थान होते हुए चित्तौड़ के रास्ते अतीक अहमद को लाया जाएगा, और कई पुलिस की अलग अलग टीमें हैं जो जितने भी राज्यों से अतीक का काफिला गुजरेगा वहां पर वो कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। नमस्ते।